वेलकम टू द पाकिस्तानी प्रोज रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। तो यार, वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के ये मिसाइल जिसे देखकर अमेरिका चीन के भी पसीने छूट जाते हैं। तो मतलब ये कोई मिसाइल है भारत के जो मतलब चीन वगैरह के भी पसीने छूट जाते हैं। तो देखते हैं पहले कौन से मिसाइल्स हैं, उसी के बाद पता लगेगा। डरते तो ऐसे इंडिया से सारी। हाँ, सही बात है, हवाएं निकलती हैं उनकी। और मिस्टिकल लैंड का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। आज की इस वीडियो में देखिए भारत की 7 सबसे शक्तिशाली मिसाइलों के बारे में, जिनसे पाकिस्तान तो क्या चीन भी डरता है। आज के वक्त में जब लड़ाई बात मिसाइलें होती है, ऐसी हैं हर से डरते हैं। हाँ, मतलब मिसाइल जो होते हैं तलवारों से लड़े जाती थी, पर वो ठीक था दौर यार तलवारों वाला। हाँ, फाइटर प्लेन्स और मिसाइलों ने ले ली है। और ये बात वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अच्छे से साबित हो चुकी है कि जिस देश में सामर्थ्य होगा वो जंग जीतने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त की दुनिया की लगभग 3% आबादी खत्म करके रख देने वाले वर्ल्ड वॉर 2 में मिसाइल्स का जमकर इस्तेमाल हुआ। साल 1944 में इंग्लैंड पर V2 मिसाइल चलाकर जर्मनी मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश था। जर्मनी? आज के समय में कोई भी देश इंग्लैंड में चलाया था आसानी से, अपने से 1000 मील दूर बसे इंग्लैंड में चलाकर मारा था दानव। इसलिए कैसे दुश्मन थे वो, सिस्टम का कैसे दोस्त बन गए। दुनिया के सभी बड़े देश कुल मिलाकर मिसाइल बनाने और खरीदने के लिए हर साल $100 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करते हैं। वहीं इस दौड़ में कुछ देर से ही सही शामिल हुआ भारत भी किसी से पीछे नहीं है। आज भारत के पास 150 के आसपास परमाणु हथियार हैं और इन्हें कैरी करने के लिए ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 10,000 किलोमीटर के 150 तक मतलब वो न्यूक्लियर वेपन मिला सकती हैं। ऐसे में आज की पेशकश में हम आपके लिए लाए हैं भारत की कुछ ऐसी ही शानदार मिसाइलों की जानकारी, जिनके बारे में जानकर आप निश्चित ही अपने देश के सामरिक सामर्थ्य पर गर्व महसूस करेंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। इंडियन मिसाइल्स की इस लिस्ट में पहला नाम है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस मुझे पता था ये फास्ट पहले भी हो। ये तो भाई पहला ही है। अपना नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी। अच्छा, ब्रह्मोस इस तरह बनाई गई। इस मिसाइल की गिनती दुनिया की उन गिनी चुनी मिसाइल्स में होती है जिनको हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता। और इन्हें इंटरसेप्ट करना भी बेहद मुश्किल होता है। रूस के रॉकेट डिजाइन ब्यूरो जिसका नाम NPO मशीनोस्त्रोयेनिया है ने इस मिसाइल को डेवलप करने में DRDO की मदद की। NPO मशीनोस्त्रोयेनिया की ही डेवलप की हुई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल P-800 ऑनिक्स को ब्रह्मोस की डेवलपमेंट के लिए बेस की तरह इस्तेमाल किया गया। अच्छा। साल 2006 से लगातार भारतीय डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बनी हुई ब्रह्मोस अभी के वक्त में भारत की तीनों सेनाओं के पास मौजूद। तीनों के पास आज भारत के पास ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस M, ब्रह्मोस NG मुझे का पता था। ये सभी मिसाइल्स 300 किलोमीटर तक हवा में अपने लक्ष्य को तबाह करने की ताकत रखती हैं। नंबर 2 पर है पृथ्वी। ब्रह्मोस के बाद नंबर आता है पृथ्वी का। इसकी गिनती भी दुनिया की उन मिसाइलों में होती है जो लड़ाई के हालातों में खेल को पलक झपकते ही पलट सकती हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली DRDO की कड़ी मेहनत की देन है। साल 1983 में शुरू हुए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनी ये मिसाइल साल 1994 से भारत की सुरक्षा में तैनात है। न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकने की क्षमता इसे और भी खास बनाती है। मौजूदा समय में भारत के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 वर्जन सर्विस में मौजूद हैं। अच्छा। जो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 है। अच्छा, इनमें 150 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी 1 करीब 1000 किलो तक का पेलोड ले जाने की क्षमता रखती है। वही पृथ्वी 2 350 किलोमीटर तक की दूरी की मारक क्षमता वाला 500 किलोग्राम के वजन के हथियार ले जाने की ताकत रखती है। पृथ्वी 2 इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। अच्छा। इसके अलावा 350 किलोमीटर दूरी तक अपने दुश्मन को काफी ज्यादा रेंज है। पृथ्वी 3 इस समय भारतीय नेवी में डिप्लॉयड है। पृथ्वी 1 की ही तरह ये भी 1000 किलो से ज्यादा का पेलोड ले जाने में सक्षम है। काफी पेलोड ले सकता है। अग्नि, अग्नि अस्त्र कही जाने वाली ये सबसे खतरनाक चीज है जिसकी हद में चीन से लेकर रूस भी है। पृथ्वी की ही तरह मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनी ये मिसाइल साल 1989 में पहली बार दुनिया के सामने आई थी। हमारे साइंटिस्ट कड़ी मेहनत करते हुए इसके 6 से भी ज्यादा वर्जन तैयार कर चुके हैं। अभी के वक्त में भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 हैं। इन सभी मिसाइलों की रेंज 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर ऑफिशियल हो गया क्या? इनमें से अग्नि 1 होगा यार, आई थिंक सो। रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है
जबकि अग्नि 3 और अग्नि 4 IRB अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन है सही वैसे ही बस ना। अग्नि 6 इन सबसे ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। नंबर 4 के मिसाइल फैमिली, न सिर्फ के सीरीज बल्कि नाम के लिहाज से भी ये मिसाइल देश के लिए बेहद खास है। इस मिसाइल के नाम में आने वाला के हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम के नाम से लिया गया है। मुझे अभी ये चीज पता लगी है। इस प्रोजेक्ट का जोर ऐसे मिसाइलों को विकसित करने पर है जिनको पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी के वक्त में इंडिया को शक्ति देती है। K6 K15 या सागरिका, K4 मिसाइल, K5 और K6 मिसाइल। इनमें से K15 या सागरिका की रेंज 750 से 1500 किलोमीटर तक है। ये सबमरीन वाली है ना, 3500 किलोमीटर तक, K5 की 5000 किलोमीटर और K6 10000 किलोमीटर तक की क्षमता वाली है। K फैमिली के मुल्क के अंदर घुस के मार दो, एक टन से भी ज्यादा बाजू के आगे 10000 किलोमीटर तक सक्षम है। नंबर 5 धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और इसमें सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन फिटेड है। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम ये मिसाइल 8.56 मीटर लंबी है। धनुष मिसाइल 500 किलोग्राम का पेलोड साथ लेकर जाने और जमीन एवं समुद्र में अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। नंबर 6 शौर्य। शौर्य विकसित भारत की पहली हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टेक्टिकल मिसाइल है शौर्य। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है और ये 1 टन तक का कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम है। फोर्सेस को शॉर्ट और इंटरमीडिएट रेंज की पोटेंशियल देता है। शौर्य मिसाइल एक कनस्तर से लॉन्च होती है और उसी में स्टोर होने की वजह से इन्हें हैंडल और ट्रांसपोर्ट करना भी बेहद आसान है। नंबर 7 प्रहार। प्रहार एक प्रहार मिसाइल है। DRDO द्वारा विकसित प्रहार मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली पिनाका और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के अंतरों को पाटने में सक्षम है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी इस मायने में अनूठी है कि एक बार के धमाके में विभिन्न लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए 6 मिसाइलों को एक साथ छोड़ा जा सकता है। अच्छा। इसके अलावा भी काफी घातक लग रही है। फिर तो इसके जखीरे में बैरक अस्त्र और आकाश जैसी कई और भी मिसाइल्स हैं, लेकिन उनकी बात फिर कभी। फिलहाल आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो थी। क्यों आजाद? बहुत ज्यादा। हाँ। हर एक चीज को एक डिटेल से बताया गया इसमें कि ये वाला मिसाइल इस रेंज का है, ये इसका फायदा है और ये इस चीज में इस जगह में मतलब कि नेवी हाँ। या एयरफोर्स या तो ग्राउंड में। और इसमें यार अग्नि सबसे घातक है, फिर K4 घातक में आती है, K6 मतलब के सीरीज और अग्नि सीरीज बहुत ही खतरनाक है। उनकी रेंज वो ICBM है सारे दोनों का, और ब्रह्मोस भी बहुत ज्यादा खतरनाक। ब्रह्मोस तो फिर वो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, और उसके काफी सारे वेरिएंट है जो मुझे नहीं पता था। हाँ यार मुझे भी नहीं पता था कि मतलब इतने ज्यादा उसके वेरिएंट है। और यार ये बहुत ही ज्यादा एक मजे की वीडियो थी इसमें, मतलब वाकई में यार तब भी चाइना ने अटैक नहीं करने की कोशिश की, क्योंकि यार न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री पे अटैक करना मतलब एक किस्म का खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर। और आज तभी तो अमेरिका इनसे दोस्ती का हाथ उनसे बढ़ाया इंडिया से, क्योंकि पता है ना वो अमेरिका चाहता है कि मैं इंडिया को यूज करूंगा, क्योंकि चाइना सिर्फ इंडिया से डरता है। बिल्कुल। और अमेरिका चाइना के खिलाफ सही का, और अब अमेरिका भी इनसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा, क्योंकि जाहिर बात है भी कोई पावर मतलब इंडिया ऑलरेडी 4th नंबर पावरफुल है, 3rd 4th प्यार है यार। तो तुझे क्या लगता है? वही नहीं यार, वैसे मानने की बात है कि मतलब कि इंडिया ने इतनी मेहनत करी और इस मुकाम पे अपने आप को भाई स्टार्टिंग पे मतलब एक टाइम था ये मिसाइल जो थे मतलब सैटेलाइट ये मिसाइल जो थे ये साइक्लोपे इंडियन वो तुझे याद है ना, साइकिल पे इनको लेकर जाते थे, और आज देख क्या टाइम आ गया। आज देख ले भाई दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, मेहनत इसको कहते हैं सही, मेहनत करके एक मकाम तक पहुंचे, और इन्होंने ऐसा मुबशिर नाम बनाया कि आज मतलब हम जब यहाँ पे बैठे पाकिस्तान वो भी वाह वाह कर रहे हैं। बिल्कुल। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।